देखो मैं नमस्कार, तो आज हम करने वाले बेस्ट बाइसेप वर्कआउट जो कि आपकी होनी है ओवरऑल आर्म्स के लिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ये अभी आर्म्स के लिए डिफरेंट वीडियो बना लूंगा, लेकिन इसमें खाली आपके बाइसेप की वीडियो आएगी, ठीक है, ओनली बाइसेप। तो सबसे पहला वर्कआउट कौन सा होने वाला है? सबसे पहला वर्कआउट जो है हमारा बाइसेप कर्ल, लेकिन ये थोड़ा है एडवांस में, ठीक है। तो इसे मारना कैसे? तो सबसे पहले आपको कोई भी डंबल लेना है जिसपे आप 1500 से 1200 रेप निकाल सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद जैसे मैं 1250 ले लिया, उसके बाद आपका हाथ जो है ऐसा खुला हुआ रहेगा, अंदर की तरफ ऐसा मुड़ा नहीं रहेगा, खुला रहेगा। उसके बाद आपका जो राइट हैंड है अप, या फिर होल्ड करके रखना है, फिर लेफ्ट हैंड को अप, फिर राइट हैंड को डाउन लेके ऊपर लेके आना है, तब तक इसको होल्ड करके रखना है, फिर नीचे अप, सेम इसको नीचे, फिर नीचे लेके अप, ऐसे करके आपको एक सेट परफॉर्म करना है। अब इसको मानना है कितना, जितना भी मैं आपको सेट बताऊंगा सबका मानना है 4 सेट, और 1 रेप में डिल टू फेलियर जाना है। आपको वेट इतना सिलेक्ट करना है जिससे आप 7 to 8 रेप पे फेलियर तक जा सको, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट वर्कआउट। सेकंड वर्कआउट कौन सा होने वाला है? सेकंड वर्कआउट है अपना बारबेल पे, ये क्या थोड़ा एडवांस पे जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें बारबेल ले लेना है, उसके बाद पहले हमें क्या करना है, पहले हमें करना है हाफ रैप। हाफ में मतलब इतना बस, ये 3 4 5, जैसे आपने 5 रेप कंप्लीट किया, फिर यहाँ से अप, यहाँ से 5। अब जब यहाँ से 5 हो जाएगा, फिर आपको फुल रेंज ऑफ मोशन में 5 मारना है। अब इसमें क्या है, आपका जो बाइसेप है पूरी तरीके से पंप हो जाएगा। तो पंप करने के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, और आपका जो आर्म से मतलब बाइसेप वो 30% कवरेज करता है आपकी पूरी ओवरऑल आर्म्स में। अगर आपको आर्म्स पूरा बड़ा चाहिए तो फिर ट्राइसेप भी बांधना पड़ेगा। तो फिलहाल ये वीडियो बाइसेप का, तो हम बाइसेप पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो हो गया सेकंड वर्कआउट, सेम इसके साथ। अब थर्ड वर्कआउट कौन सा होगा? जैसे कि अपने फ्रंटल बाइसेप के लिए मान लिया है, उसके बाद हमारा होने वाला है साइड वाला। जैसे साइड से हमें कोई साइड से अगर लुक होता है तो आपका आर्म्स बड़ा दिखना चाहिए, तो उसके लिए कौन सा वर्कआउट है? तो पीछे जाना, थोड़ा दूर चले, उसके लिए सेम। इस बार क्या करना है आपको, आपको मानना हैमर कल। अभी हैमर कल स्ट्रेट भी होता है, ये स्ट्रेट भी होगा और अंदर वाला भी होगा। तो मेरी मान तो अंदर वाला ज्यादा बेटर है आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले 1 2 होल्ड करना है, फिर स्लोली डाउन, इसको भी अप, 1 2 स्लोली डाउन। याद है ऊपर जब भी मैं लेकर अपना शोल्डर को बिल्कुल नहीं ला रहा हूँ। जैसे देखो नॉर्मल लोग क्या करते हैं, ज्यादा हैवी लेके ऐसे मारते हैं, ये गलत है। नॉर्मल आपका हाथ स्ट्रेट रहेगा, फिर यहाँ से स्लोली अप, 2 सेकंड होल्ड, फिर डाउन। तो जैसे मैंने आपको बताया, इस हाथ से और इस हाथ से दोनों से 4 4 सेट मारना है, 1 में टिल टू फेलियर जाना है, और ऊपर लाके 2 सेकंड का होल्ड आपको करना ही है, ठीक है। तो गया ये थर्ड वर्कआउट। अभी फोर्थ जो है इसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड कर्ल। अब इसे क्या, आपकी बाइसेप की जो पीक है वो अच्छी आती है, तो उसके लिए इस पर क्या आपको ज़्यादा हैवी डंबल नहीं ना, लाइट डंबल लेना है। उसके बाद आपको एक पैर आगे करना है, और आपका जो हाथ है ये वो नहीं आपके घुटने पे पास रहेगा ऐसा, और आपका जो है एल शेप रहना चाहिए, उसके बाद ये अंदर की तरफ, ठीक है। फिर ये बस स्लोली डाउन, 2 सेकंड होल्ड करो, स्लोली डाउन। और याद रहे आपका हाथ कभी स्ट्रेट नहीं जाएगा पूरा, इतना बैंड ही रहेगा, ठीक है। अप, 2 सेकंड होल्ड, डाउन, अप, 2 सेकंड होल्ड, स्लोली डाउन। तो जैसे मैंने इस हाथ से किया, आपको सेम लेफ्ट हैंड से भी करना है। तो जितने भी मैं आपको बताऊंगा लेफ्ट राइट वाला, तो आपको जितने भी आपको लेफ्ट से करना है, राइट को भी आपको उतने से करना है, ठीक है। तो हो गया फोर्थ वर्कआउट। लास्ट वर्कआउट जो है बाइसेप की, वो मशीन पे, ठीक है। तभी हमारे बाइसेप के लास्ट वर्कआउट, अब इसमें क्या है, सबसे पहले सब लोग क्या करते हैं बाइसेप वर्कआउट मारते, तो अपना हाथ ऐसे एकदम गेढ़ा कर लेते, ऐसे नहीं करना है। आपका हाथ क्या नॉर्मल रहेगा ये, फिर ग्रिप ज्यादा बाहर भी नहीं करना, ज्यादा अंदर भी नहीं करना, न्यूट्रल पे रखना। उसके बाद अब यहाँ पे 2 सेकंड होल्ड, स्क्वीज करना, फिर डाउन, यहाँ पे स्क्वीज करना टाइट, फिर 4 सेकंड में डाउन, 1 2 3 4, ये स्क्वीज, 1 2 3 4,
बाइसेप के लिए फिलहाल इतनी वर्कआउट है, आपको ओवरऑल आर्म्स चाहिए तो उसके लिए ट्राइसेप भी मानना पड़ेगा। ट्राइसेप का वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ट्राइसेप कैसे मानना है, कौन सी वर्कआउट माननी है। तो बस आज के लिए इतना ही, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।